हेलो गाइस, तो आज हमें एक कुर्ती मिली है जो अहमदाबाद से वडोदरा जाना है मुझे। ठीक है, आज सुबह सेठ का कॉल आया था कि भाई तुम्हें एक कुर्ती आ गई है तो तुम आ जाओ गाड़ी लेके। तो हमने गाड़ी लेके आ गए हैं। तो चलो, हमारा स्टेशन ये आ गया है। और देखो भाई, अपनी बढ़िया वाली गाड़ी है भाई, हमने बहुत पैसे लगा के चलाई है। अंदर इतना अच्छा लग रहा है, बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप आजू बाजू, और बोर्ड भी देख सकते हो अपना अहमदाबाद वडोदरा का। देख लो बोर्ड, पहले देख लो यार। हाँ देख लो, सही है ना, अहमदाबाद वडोदरा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया सा हमने यार पैसे खर्च किए हैं इस गाड़ी को बनाने में, लगभग 10-15 लाख खर्च हो चुके हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। और भाई 50 या 60 टिकट हमारे पास है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पार्क करते हैं, उसके बाद पैसेंजर थोड़े उठाते हैं, कितने पैसेंजर आते हैं, क्योंकि लगभग सेठ ने बोला था 50 या 60 जितने पैसेंजर है तो उनको छोड़ना है भाई आपको वडोदरा। तो हम सीधा पहले तो पार्क करते हैं, चलो पार्क कर ले भाई, धीरे से, नहीं तो सेठ साला पैसा काट देगा, बहुत कंजूस है साला। अरे कहीं भी अगर अड़ जाती है ना भाई गाड़ी, ठुक जाती है ना, तो पैसे फटाक से काट लेता है जाला, देखता भी नहीं है। चलो भाई पहले पार्क अच्छी हो जाए ना, उसके बाद कोई चिंता वाले बात नहीं है। चलो पार्क हो चुकी है कंप्लीट। ओके तो भाई पैसेंजर फटाफट बैठ जाओ यार, मुझे थोड़ी तकलीफ भी है, मुझे थोड़ा काम भी है, मतलब दूसरी वर्दियों में जाना है। सामान पहले रख दो। ओके सामान रख दिया, तो एक एक करके बैठ जाओ यार। हाँ बैठ जाओ तुम, 1 2 3 4 5 6 ओ मोटू, हाँ 7, चलो मोटू भी बैठ गए, सब बैठ गए। कितने हो गए पैसेंजर, शायद 53 या 63 ऐसा कुछ था। ओके चलो कोई बात नहीं भाई, हम दरवाज़ा पहले बंद करते हैं, क्योंकि भाई सामान वामान गिर गया तो तकलीफ होगी, दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो चलो भाई स्टार्ट करो भाई अपनी जर्नी। तो एक्सप्रेस बस ही हमारी, कहीं रुकने वाली नहीं है, शायद एक जगह रुकेगी, चाय पानी करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, बाकी पेट्रोल तो हमारे पास फुल है अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपनी गाड़ी, क्योंकि तो यहाँ से भी धीमे धीमे यार कहीं लग ना जाए, नहीं तो यार पैसे बहुत तंगी है, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है। चलो भाई फटाफट से यार चलते हैं। ओके तो गाड़ी मैं पहली बार इस ये गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं था। लास्ट में अभी मैंने नया लाइसेंस करवाया है, तो अगर गाड़ी एक बार मैं एक दो बार अगर मैं फेरा मार दूंगा तो मुझे फिर आ जाएगी कि भाई कंप्लीट भाई कंप्लीट गाड़ी है। तो चलो यहाँ से चलते सीधा रोड के ऊपर। ठीक है फटाफट चलो भाई। ओके तो हमें जाना है भाई लेफ्ट साइड राइट साइड यार। ओके ये मैप है हमारे पास, सेठ ने मैप भी दिया है, ये गाड़ी में बहुत बड़ी सुविधा है मैप की और वो सब की सुविधा है। तो पहले देख लेते यहाँ कोई गाड़ी आती है नहीं, नहीं चलो कोई नहीं आ रही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। और गाइस थैंक यू यार, जो जो भाई बंदे देख रहे हो अभी तक ये वीडियो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी। और हमने स्टार्ट कर दिया भाई। और गाइस बुरा मत मानना, पर ये मेरा पहली राइड है, क्योंकि मैंने पहला इसमें मैं नया ड्राइवर हूँ, अभी मुझे नौकरी रखा है, क्योंकि भाई अपने पास कोई नौकरी वोकरी है नहीं। तो चलो भाई लेफ्ट, वैसे जब भी वाणो ना भाई साइड लो अंदर सिग्नल। ओ यार ठुक, सेठ क्या बोलेंगे यार हमें। ओ भाई अरे यार पीछे भी ठुक गई, चलो कोई बात नहीं भाई, पैसे कटे तो कटे, अब क्या करे, ठुकी है तो। चलो यहाँ से स्टार्ट कर दे भाई। तो हमने मतलब 2 या 3 किलोमीटर काट लिया है, अभी 200-300 किलोमीटर जाना है आगे। और ये क्या होता है, अहमदाबाद और वडोदरा का जो हाईवे है ना, बहुत ट्रैफिक रहता है इसमें, तो जिसके कारण यार एक्सीडेंट वो भी ज़्यादा होते हैं, और अब चला भी थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट का कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो चलो भाई, अरे और ये यार इतना ख़राब रास्ता है ना, ये बाजू में तालाब है उसके बाजू में, और ख़राब रास्ता है बहुत। चलो अभी स्टार्ट तो कर दिया है भाई, गाड़ी धीमे धीमे चल रही है भाई। पैसेंजर बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी धीमे चलाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ। और इस गाड़ी में भाई वाईफाई है, और खाने पीने का 2 टाइम सामान भी मिलेगा,
और चा पानी वो सब कुछ मिलता है। चलो भाई आगे चलते हैं। ओके आगे पेट्रोल पंप आया, पर पेट्रोल यार हमारा फूल है, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पेट्रोल की। चलो भाई अभी कोई पेट्रोल नहीं है, इंडियन ऑयल है अपना। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, उसके बाद अगर ऐसा लगेगा तो हम पेट्रोल पुरा लेंगे। और गाइज यहाँ से मुड़ना है। चलो भाई गाड़ी यार मैं इतना मतलब अभी ड्राइविंग थोड़ी सीख रहा हूँ, फिर भी अच्छी चला लेता हूँ। कभी कभी थोड़ी एक्सीडेंट हो जाता है भाई, तो सेठ वैसे काट लेता है, तो टेंशन मत लो गाइज, हम आराम से तुम्हें पहुँचा देंगे। क्योंकि भाई हमारी गाड़ी का बीमा है, अगर तुम मर गए तो हम कोई बात नहीं भाई, पैसे मिल जाएंगे आराम से तुम्हारे परिवार वालों को। ओके गाइज, तो गाइज यार जो अभी तक इस वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। और हम यार इतना ट्रैफिक है ना भाई, मेरा माथा गर्म हो जाता है उस ट्रैफिक को। चलो एक दूसरा पेट्रोल पंप आया, पर हमें अभी इधर भी नहीं पुराना है पेट्रोल। और बारिश चालू हो चुकी है यार, ये बारिश का भी प्रॉब्लम रहता है भाई अहमदाबाद में पेट्रोल पंप के साइड में। और ये मेरा साला ये क्या बोलते उसको यार, कंडक्टर इस काम का नहीं है, पहले बैठा है हीरो की तरह। देख सकते हो ना आप ट्रैफिक यार, पुलिस की गाड़ी अभी चलती है। चलो ये ट्रैफिक, अभी होटल आ चुका है, तो गाइस थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाए क्योंकि यार भूख बहुत लगी है हमें। और मुझे तो ठीक है यार, पैसेंजर बोल रहे हैं कि भाई प्लीज़ यार गाड़ी खड़ी रखो यार, भूख लगी है, कोई होटल वोटल आए तो कोई बात नहीं, होटल आ चुकी है भाई। ताज होटल नहीं है, बहुत छोटी होटल है, पर बहुत बढ़िया होटल है यार, मज़ा आ जाएगा खाने का। और गाइस यहाँ तो इस गेम की एक अच्छी बात है कि भाई इसमें अपना झंडा है, इंडिया का झंडा है इधर, अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले परफेक्ट अपना गाड़ी पार्क करते हैं। चलो पार्क हो चुकी है, पीछे वाले ने ठोकर मार दी गाड़ी में। चलो गाइस तो फटाफट उतर जाओ यार, खाना खा लो, जो भी करना है फटाफट कर लेना ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलना है। और देख सकते हो अपना फ्लैग, और थैंक यू सो मच गाइस।